हाय स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि इंसेक्ट इकोलॉजी uh, के दो पार्ट्स हैं एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इंसेक्ट्स तो आज हम एबायोटिक फैक्टर्स जो इंसेक्ट्स पर अपना असर डालते हैं उनकी बात करेंगे एबाटिक फैक्टर्स जो हैं वो इंसेक्ट एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं और ये एबाटिक फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं टेम्परेचर को मॉइस्चर लाइट एयर वाटर करेंट्स और इसी तरीके के कुछ अन्य कारक भी होते हैं इन सभी फैक्टर्स की इंसेक्ट की लाइफ पर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पाई जाती है एबयोटिक फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर मॉइस्चर और लाइट इकोसिस्टम में हमेशा एक से नहीं रहते ये वेरिएबल होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम में भी ये वेरी कर सकते हैं अगर किसी प्लांट की बात करें तो वहाँ पर भी इन फैक्टर्स के प्लांट पार्ट्स प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में भी ये फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं इसीलिए इनका इफ़ेक्ट जो है टेम्परेचर uh, का जो है वो uh, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम में वेरी करता है इसी वजह से माइक्रो इन्वायरमेंट जैसे वर्ड का इजाद हुआ जिससे कि पता चले कि किसी एक पर्टिकुलर प्लांट में भी या एक पर्टिकुलर प्लेस में भी जो वेरिड इन्वायरमेंट्स हैं उनको हम इन्होंने माइक्रो इन्वायरमेंट का नाम दिया इसका मतलब किसी एक इन्वायरमेंट एक इकोसिस्टम में अलग अलग छोटे छोटे इन्वायरमेंट्स डिफरेंट इन्वायरमेंट्स पाए जा सकते हैं जिन्हें हम माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं अब इनमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इंसेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है वो टेम्परेचर है तो आ, हमको ये पता है कि या फिर आप ये जान लीजिए कि इंसेक्ट्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को सर्टेन बाउंड्री के अंदर मेंटेन करते हैं टेम्परेचर एनवायरनमेंट का वेरिएबल होता है इसलिए इंसेक्ट्स को जो इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर को कई बार बर्दाश्त करना पड़ता है अगर वो बिलो द रेंज चला जाए जो इंसेक्ट को टॉलरेट कर जो इंसेक्ट द्वारा टॉलरेट की जा सकती है या उस रेंज से हाई चली जा हाई हो अगर टेम्परेचर तो भी इंसेक्ट्स को उस टेम्परेचर को बियर करना पड़ता है इंसेक्ट्स को हम ट्रेडिशनली uh, 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 ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं यानी इनको हम पॉइकुलोथर्म्स कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने इन इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वेरिएबल है और एम्बाइंड uh, टेम्परेचर जो होता है बाहरी टेम्परेचर है उस पर डिपेंडेंट होता है एज़ अपोज टू होमोथर्मिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को होमोथर्मिक एनिमल्स कौन से हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर रेंज में मेंटेन कर सकते हैं उनको हम होमोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो लेकिन उन वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेंटेन कर सकते हैं Uh, जो कि बायोकेमिकल प्रोसेसेस के द्वारा होता है कई सारी जो इंटरनल हीट जनरेट होती है बॉडी में वो कई सारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस से होती है तो डिफरेंट फैक्टर्स uh, uh, जो कि इंसेक्ट के डिफरेंट फैक्टर्स uh, जो कि टेम्परेचर द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं वो कौन कौन से हैं आइए ये जानते हैं तो वेरियस फैक्टर्स ऑफ इंसेक्ट्स इन्फ्लुएंसड बाय टेम्परेचर आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसेक्ट्स इंसेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन एबायोटिक फैक्टर यानी टेम्परेचर जो है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है स्पेसिफिकली लो टेम्परेचर जोन्स में डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट ऑफ इंसेक्ट नॉर्दर्न एक्सट्रीम जो है या टेम्परेट जोन्स में कम है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल या सदर्न रीजन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिमिट के नीचे insect का इंसेक्ट की पॉपुलेशन कम होती है जबकि समर्स जहाँ हैं या जहाँ गर्म हैं वहाँ पर इंसेक्ट्स डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं और विंटर आते ही मरने लग जाते हैं या मर जाते हैं हाई टेम्परेचर ज़ोन्स में अबंडेंस होती है इंसेक्ट्स की क्योंकि वहाँ पर वेरिएशन पाया जाता है टेम्परेचर में नेक्स्ट है इंसेक्ट बॉडी टेम्परेचर यानी ऐसा फैक्टर इंसेक्ट की बॉडी का जो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस हो रहा है दैट इज़ इंसेक्ट इंसेक्ट्स ओन बॉडी टेम्परेचर इंसेक्ट की बॉडी टेम्परेचर पर भी टेम्परेचर का असर पड़ता है सन रेडिएशंस और मेटाबॉलिक रेट जो है वो मेजर सोर्सेज हैं जिनसे कि इंसेक्ट हीट इंसेक्ट्स हीट प्राप्त करते हैं गेन करते हैं और सोलर रेडिएशन की वजह से ही किसी इंसेक्ट की टेम्परेचर इंसेक्ट की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज होता है बढ़ता है डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कि साइज कलर और शेप जो है इंसेक्ट का या उनका सन के रिस्पेक्ट में उनका ओरियंटेशन क्या है वो भी इंसेक्ट के बॉडी टेम्परेचर पर अपना असर दिखाते हैं इसके अलावा इंसेक्ट की बॉडी का जो फैक्टर इन्फ्लुंस होता है टेम्परेचर से दैट इज नोन एज वाइटल टेम्परेचर वाइटल टेम्परेचर क्या होता है हाईएस्ट टेम्परेचर लिमिट जिस पर कि इंसेक्ट जीवित रहता है और अगर उसके आगे और बढ़ाई गई लिमिट टेम्परेचर से टेम्परेचर की तो इंसेक्ट उसके बाद मर जाएगा उस पर्टिकुलर लिमिट को वाइटल टेम्परेचर कहा जाता है इसको हम वाइटल टेम्परेचर मैक्सिमम भी कहते हैं जबकि लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कि इंसेक्ट जीवित रह सकता है और जिसके नीचे अगर टेम्परेचर चला गया तो वो जीवित नहीं रह पाएगा मर जाएगा उस टेम्परेचर को भी हम लोएस्ट टेम्परेचर लिमिट कहते हैं या वाइटल टेम्परेचर मिनिमम कहेंगे यानी आपके पास वाइटल टेम्परेचर मैक्सिमम और वाइटल टेम्परेचर मिनिमम की रेंज प्रेजेंट होती है इंसेक्ट के ज़िंदा रहने के लिए यूजुअली 46 सिक्स डिग्री सेल्सियस जो है वो वाइटल टेम्परेचर मैक्सिमम होता है और ऐसे ही अगर इंसेक्ट को एक माइनस फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चले गए तो इंसेक्ट मर जाएगा हाइबरनेटिंग इंसेक्ट्स जो होते हैं वो तो माइनस फिफ्टी डिग्रीज सेल्सियस पर भी सरवाइव कर जाते हैं ऐसे ही एक फैक्टर इंसेक्ट का जो इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर से दैट इज इंसेक्ट मोर्टैलिटी तो इंसेक्ट सर्वाइव करते हैं विद इन ए पर्टिकुलर ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर इंसेक्ट को उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर या नीचे का एक्सपोजर दिया जाए तो वो इंसेक्ट के लिए फेटल हो जाता है ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर डिपेंड करती है अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट पे यानी कि ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होती है ऐसे ही एक फैक्टर सर्वाइवल रेंज है जो कि टेम्परेचर uh, से इफेक्टेड होता है अफेक्टेड होता है सर्वाइवल uh, रेंज क्या चीज़ है कि इंसेक्ट जो है वो एक अपर uh, और लोअर टॉलरेबल लिमिट ऑफ टेम्परेचर होती है उनकी जिसमें कि वो एक्टिव रहते हैं लेकिन अगर वो उन uh, उस रेंज से या उस पर्टिकुलर टेम्परेचर अपर और लोअर लिमिट के टेम्परेचर से ऊपर या नीचे चले जाए टेम्परेचर तो वो इंसेक्ट उस टेम्परेचर temperature, उन टेम्परेचर्स पर इनएक्टिव हो जाते हैं अधिकतर इंसेक्ट्स ज़ीरो से फिफ्टी डिग्री सेल्सियस के बीच में सरवाइव करते हैं जबकि कुछ एक्सेप्शन्स पाए जाते हैं जो कि इन एक्सट्रीम्स से ऊपर या नीचे भी जीवित देखे गए हैं कुछ डिप्टरन इंसेक्ट्स के लार्वे जो हैं वो 55 डिग्री सेल्सियस या उससे भी थोड़े ऊंचे टेम्परेचर पर जीवित रहते हैं इंसेक्ट्स जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं वो अपनी इंटायर लाइफ साइकिल जो है वो ज़ीरो डिग्री सेल्सियस के नीचे भी कंप्लीट कर लेते हैं ओके okay? ऐसे ही एक आ, फैक्टर है एक्लिमेशन कहलाता है एक्लिमेशन क्या चीज़ होती है आ, जो कि टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है एक्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एडजस्ट कर लेता है अपने को इन्वायरमेंट में हो रहे ग्रेजुअल चेंज को धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है एन्वायरमेंट में उसमें कोई भी इंडिविजुअल जब अपने आप को एडजस्ट कर लेता है तो उसको हम एक्मेशन या एक्मेटाइजेशन बोलते हैं ये भी इंसेक्ट पर Uh, मतलब इस uh, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो भी इंसेक्ट की बॉडी पर इस तरीके का इन असर डालता है अब आ जाइए अब नेक्स्ट है uh, इंसेक्ट का जो uh, uh, जो टेम्परेचर जिस इंसेक्ट के जिस फैक्टर पर इंफ्लुएंस डालता है वो है उन, उनके uh, इंसेक्ट के रिप्रोडक्शन सॉरी uh, इंसेक्ट का टेम्परेचर और इसके कंजम्पशन ऑफ फूड रिजर्व्स पे Uh, जब बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में फूड अवेलेबल होता है तो uh, जो रेट ऑफ कंजम्पशन होता है उन फूड रिजर्व रिज़र्व्स का वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है uh, यानी कि uh, वो इंसेक्ट के सर्वाइवल पर असर डालता है फॉर एग्जांपल एक ग्लॉसिना uh, एक फ्लाई uh, है एक प्रकार की ग्लॉसिना स्पीशीज uh, वो डिपेंड करती है uh, दो मील्स के बीच में पाए जाने वाले जो फूड रिजर्व्स हैं उन पर उन पर डिपेंड करती है अगर एक आ, मील के बाद में जो फूड रिज़र्व है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया तो फ्लाई जो है और अगर उसके बाद उस फ्लाई को अगर नहीं मिला दूसरा फूड तो वो इमीजिएटली मर जाती है इसका मतलब फूड कंजम्पशन जो है फ़ूड रिज़र्व का जो कंजम्पशन है आ, वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है टेम्परेचर का असर उस पर पड़ता है कंजम्पशन ऑफ फ़ूड रिज़र्व पे नेक्स्ट फैक्टर इंसेक्ट का जो कि टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है दैट इज़ रिप्रोडक्शन एंड डिवेलपमेंट अब रिप्रोडक्शन और डिवेलपमेंट रेट जो है वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा असर होता है उस टेम्परेचर का उस पर लेकिन वो अलग अलग इंसेक्ट स्पीशीज़ में वेरी करता है जो इंसेक्ट फर्टिलिटी और इंसेक्ट का डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर टॉलरेबल टेम्परेचर रेंज जो होती है उसके ऊपर अगर चला जाए टेम्परेचर तो वो रुक जाती है इंसेक्ट फर्टिलिटी अगर टॉलरेंस रेंज में है तो इंसेक्ट के एग्स का डेवलपमेंट जो ओविपोजिशन की रेट है लार्वल और पीपल डेवलपमेंट है वो नॉर्मली बढ़ते जाते हैं और आराम से उनका डेवलपमेंट होता रहता है Uh, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल हैं पेडिकुलस का है जैसे कि जो जू होती है जिसे आप जानते हैं कॉमनली वो अगर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर चला जाए तो जू एग्लिंग नहीं करती ठीक है ना तो ये भी इसका मतलब रिप्रोडक्शन पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है ऐसे ही डेवलपमेंट पर मैंने आपको बताया कि कुछ इंसेक्ट्स में मोल्टिंग प्रोसेस जो होती है वो अगर एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर चला गया तो मोल्टिंग प्रोसेस रुक जाएगी या एक uh, बहुत लो टेम्परेचर चला गया तो भी मोल्टिंग uh, रुक जाती है तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए नेक्स्ट फैक्टर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि इंसेक्ट के डिफरेंट फैक्टर्स पर अपना असर डालता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जिसे हम मॉइस्चर कहते हैं तो वेरियस uh, फैक्टर्स जो कि मॉइसचर uh, से इन्फ्लुएंस होते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी के वो हैं बॉडी वाटर कंटेंट वाटर सोर्स इंसेक्ट मोर्टेलिटी लॉन्जिविटी फीडिंग बिहेवियर रिप्रोडक्शन एंड इंसेक्ट डिवेलपमेंट तो रिलेटिव uh, ह्यूमिडिटी uh, जो है वो बॉडी के वाटर कंटेंट पे असर अच्छा डालती है uh, क्योंकि अगर एक सूटेबल बैलेंस हमेशा इंसेक्ट को रखना पड़ता है अपने वाटर कंटेंट में और इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए इंसेक्ट को एक वाटर कंटेंट का एक पर्टिकुलर लेवल अपने बॉडी में मेंटेन करना पड़ता है इसका ये जो बॉडी कंटेंट बॉडी का जो वाटर कंटेंट है वो एनवायरमेंटल मॉइस्चर कंटेंट से बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट आता है उसका एक इंसेक्ट बॉडी में वाटर कंटेंट वेरी करता है अलग अलग इंसेक्ट की बॉडी में लेकिन लेस देन फिफ्टी परसेंट हो Uh, या नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा हो जाए टोटल बॉडी वेट के ऐसा uh, भी हो सकता है कई बार कैटरपिलर्स जो होते हैं वो उनमें कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है जबकि हार्ड बॉडीड इंसेक्ट्स हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत ही बहुत ही कम होती है uh, अगर एक्टिव स्टेजेस हैं इंसेक्ट्स की उन तो उनमें वाटर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा पाया जा सकता है ऐसे ही वाटर uh, सोर्स का इंसेक्ट uh, uh, के ऊपर असर होता है डिफरेंट फैक्टर्स पर इंसेक्ट के मेन सोर्स ऑफ वाटर जो होता है इंसेक्ट्स के लिए वो फूड होता है डायरेक्टली इंसेक्ट्स uh, पानी डायरेक्टली नहीं पीते लेकिन uh, उनमें जो जो वो खाना खाते हैं उनमें उनसे ही वो वाटर uh, कंटेंट जो है वो उससे ही uh, जो उनको मिल जाता है तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होती है वो इस पर डिपेंड करती है कि इंसेक्ट्स किस प्रकार का फूड खा रहे हैं जो सक्यूलेंट टिश्यू ऑफ प्लांट्स पर फीड करते हैं इंसेक्ट्स उनको uh, अच्छी मात्रा में पानी मिल जाता है uh, अगर एरिड जोन के यानी सूखी uh, प्रदेश के अगर कोई इंसेक्ट्स हैं तो वहाँ पर उनका जो मेन वाटर सोर्स का uh, uh, जो होता है वो उनकी बॉडी में चल रही मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं उन्हीं के थ्रू उनको वाटर uh, प्राप्त होता है कुछ इंसेक्ट्स सॉइल का और एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ टेरिस्टिल इंसेक्ट्स बहुत ड्राई एरिया में रहने के लिए कैपेबल होते हैं और अपने फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है उनकी खुद की बॉडी में उनकी स्वयं की बॉडी में उससे वो वाटर जनरेट करते हैं नेक्स्ट फैक्टर जो इंसेक्ट्स uh, uh, का इन्फ्लुएंस होता है दैट इज़ इंसेक्ट मोर्टैलिटी विच इज़ अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर ऑफ द इन्वायरमेंट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द इन्वायरमेंट इंसेक्ट मोर्टेलिटी जो है वो आस पास के uh, जो सराउंडिंग होती हैं इंसेक्ट की उसके मॉइस्चर पर बहुत डिपेंडेंट होता है हमेशा एक ऑप्टीमल रेंज होती है मॉइस्चर की जो कि इंसेक्ट के लिए सुटेबल होती है अगर एक्सेस हो जाती है ऑप्टीमल रेंज की दैट कैन किल द इंसेक्ट्स अगर बहुत एक्सट्रीमली लो मॉइस्चर है मतलब बहुत सूखा है अगर किसी जगह पे तो एक्टिव स्टेज जो होती है इंसेक्ट की वो अधिकतर मर जाती हैं मॉर्टेलिटी जो है इंसेक्ट की वो एक्सट्रीम हाई मॉइस्चर या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो गया तब भी देखी जाती है एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर इंसेक्ट मरने ल लग जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी की वजह से हो जाता है और अगर बहुत हाई टेम्परेचर है तो वो भी डेथ का कारण बन जाता है नेक्स्ट फैक्टर जो कि अफेक्टेड है मॉइस्चर uh, से इंसेक्ट का फैक्टर अफेक्टेड है मॉइस्चर से वो है लॉन्जिविटी लॉन्जिविटी मतलब लेंथ ऑफ लाइफ पीरियड यानी लाइफ कितनी है किसी इंसेक्ट की तो इन्वायरमेंटल मॉइस्चर जो है वो किसी भी इंसेक्ट की सर्वाइवल या लेंथ को डिटरमाइन करता है uh, ये uh, बहुत एडवर्सली uh, अफेक्टेड uh, हो जाता है जो इंसेक्ट की जो जो लेंथ ऑफ लाइफ है वो एक्सेस मॉइस्चर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है जैसे कि एक, एक इंसेक्टर लोकस्टा माइग्रेटोरिया जो माइग्रेटरी लोकस्ट होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम तो ये इंसेक्ट जो हैं वो लोअर ह्यूमिडिटी जब होती है उस पर ये अच्छा सर्वाइव करते हैं बेटर सर्वाइव करते हैं अनदर फैक्टर अफेक्टेड बाई मॉइस्चर इज़ फीडिंग बिहेवियर जब मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट में तो इंसेक्ट की फीडिंग एक्टिविटी पर या एक्टिविटी पे में बाधा पहुंचने लग जाती है किसी एक पर्टिकुलर लार्वा है जिसे हम स्प्रूस uh, बडब uh, मतलब uh, है एक इंसेक्ट उसका लार्वा जो है वो ज़्यादा अगर एयर के अंदर मॉइस्चर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वो फीडिंग करना बंद कर जाता है कर देता है ऐसे ही जो सेसे फ्लाई होती है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है वो भी एक पर्टिकुलर 88 परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी से अगर ज़्यादा हो जाती है 88 परसेंट से तो उस पर वो भी जो खाना रोक देती है अपना इसी प्रकार से रिप्रोडक्शन पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होता है इंसेक्ट रिप्रोडक्शन जो है वो मॉइस्चर की प्रेजेंस या एब्सेंस से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है अगर एक्सेस मॉइस्चर होता है तो रिप्रोडक्शन uh, में पे इफ़ेक्ट आता है ओविपोजिशन रेट uh, जो होती है वो लो ह्यूमिडिटी में उस पर बड़ा नेगेटिव uh, इफेक्ट आता है uh, कई इंसेक्ट्स जो होते हैं uh, वो इनफर्टिलिटी शो करने लग जाते हैं uh, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी फोर्टी परसेंट से लो uh, हो जाती है अब इसके अलावा इंसेक्ट डिवेलपमेंट पर भी मॉइस्चर का असर होता है इंसेक्ट डिवेलपमेंट और मॉइस्चर जो है वो मॉइस्चर uh, का रिडेशन जो है वो स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स जो स्पीशीज स्पेसिफ़िक होता है मतलब अलग स्पीशीज़ अलग अलग स्पीशीज़ पे अलग अलग असर होता है हाई मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रेट ऑफ डेवलपमेंट को uh, कम कर देता है अगर बहुत हाई हो गया अगर मॉइस्चर कंटेंट तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है इंसेक्ट का uh, और वो कई बार कंप्लीटली रुक भी जाता है हॉल्ट हो जाता है डेवलपमेंट Uh, अब सिल्क वम लार्वे जो होते हैं वो अगर हाई ह्यूमिडिटी कंटेंट हो गया तो वो उस पर प्यूपेट ही नहीं होते प्यूपा नहीं बनता तो हमको uh, कोकून नहीं बनता कोकून नहीं बनता तो हमको सिल्क प्राप्त नहीं होता तो इसका मतलब आप देख लीजिए कि ह्यूमिडिटी का इफ़ेक्ट जो है वो इंडस्ट्रियल uh, जो इंसेक्ट्स हैं जो काम में आने वाले इंसेक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल वाले यूज़ के उनमें उन पर भी कितना एडवर्स uh, इफेक्ट uh, होता है तो इंक्यूबेशन टाइम ऑफ एग्स भी कम हो जाता है कई इंसेक्ट्स का अगर हाई ह्यूमिडिटी कंटेंट है तो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जो इंसेक्ट्स की वो वैसे तो कंपैरेटिवली हायर ह्यूमिडिटी प्रेफर करती हैं लेकिन अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर हो जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो वो इंसेक्ट के डेवलपमेंट पर ख़राब असर डालती है चलिए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम नेक्स्ट फैक्टर जो इंसेक्ट के बॉडी डिफ, के डिफरेंट फैक्टर्स पर असर डालता है वो है लाइट लाइट के अलग अलग पैरामीटर्स जैसे कि फ़ोटो पीरियड है इल्यूमिनेंस है वेवलेंथ, इंटेंसिटी एट्सेट्रा ये भी इंसेक्ट पर असर डालती है लाइट लेकिन कभी भी लीथल फैक्टर या फेटल फैक्टर नहीं होती है रिएक्शंस जो होते हैं इंसेक्ट्स के वो लाइट के फोटो पीरियड पर होते हैं अलग अलग Uh, मतलब जितनी देर का एक्सपोजर होता है इंसेक्ट को लाइट का तो किस प्रकार का असर होता है वो वेरी करता है अलग अलग स्पीशीज़ पर तो फैक्टर्स uh, जो है इंसेक्ट्स के जो लाइट से इन्फ्लुएंस होते हैं वो हैं फॉर्मिंग एगलिंग चेंजेस इन फ्लाइट या प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ या इमरजेंस ऑफ मैनी स्पीशीज़ और स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन इंसेक्ट्स कई इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें लाइट uh, का जो एक्सपोजर है वो डायपॉज़ को भी स्टिमुलेट uh, कर देता है डायपॉज मतलब uh, एक तरीके के कोसेंट पीरियड में एग्स चले जाते हैं डेवलपमेंट उस समय रुक जाता है उसको हम डायपॉज कंडीशन कहते हैं तो डायपॉज जो है वो फोटो पीरियड से या लाइट के एक्सपोजर से वो अफेक्टेड होता है तो प्लांट फीडिंग इंसेक्ट्स जो हैं वो अपने uh, उनके डिफरेंट वेवलेंट्स के लिए सेंसेस होते हैं और दीज इंसेक्ट हैिफरेंट वेवलेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर होस्ट लोकेशन अब कुछ इंसेक्ट्स uh, जो है वो अपने फूड के लिए प्लाट्स पर डिपेंड करते हैं इसका मतलब ये होगा क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस तो अगर लाइट जो है उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंसेक्ट्स पर हो सकता है अगर लाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगे इंसेक्ट्स को प्लांट्स से अपना फूड प्राप्त नहीं होगा इसीलिए जो इंसेक्ट्स हैं चाहे वो टेरेस्ट्रियल हों चाहे वो एक्वाटिक हैबिटेट में हों वो इन अक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाने वाले प्लांट्स को लाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है इस पर उनकी लाइफ इंसेक्ट्स की लाइफ बहुत डिपेंडेंट होती है क्योंकि उनको उन्हीं से ही अपना मतलब जो अक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन है उससे ही अपना फूड प्राप्त होता है अब नेक्स्ट फैक्टर है एयर एंड वाटर करेंट्स इंसेक्ट्स जो हैं वो दोनों बहुत मतलब दोनों एयर और वाटर करेंट्स दोनों से इन्फ्लुएंस होते हैं ये अधिकतर किसी भी पर्टिकुलर इंसेक्ट हैबिटेट की जोग्राफिक कंडीशन है उस पर डिपेंडेंट है अगर एयर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है तो वो इंसेक्ट्स की मॉर्टेलिटी में रिजल्ट कर सकता है मर सकते हैं इंसेक्ट्स अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो किसी जगह और इंसेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है मतलब कहाँ पाए जाते हैं इंसेक्ट जैसे कि लीफ हॉपर्स और एफिड्स हैं और कई सारे इंसेक्ट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो विंड पर हवा पर डिपेंडेंट होता है पानी का करंट जो होता है वो भी इंसेक्ट के एग्जिस्टेंस अलग अलग एरियाज में कैसी है उसको उस पर असर डालता है इंसेक्ट्स अपने आप को वैसे तो वाटर um, करेंट्स के प्रति अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं जैसे कि कैडिस फ्लाइज जो होती हैं वो um, सबमर्ज uh, ऑब्जेक्ट्स uh, जो होते हैं उनसे अपने आप को अटैच कर लेते हैं जब वाटर करंट्स तेज़ होते हैं उनसे बचने के लिए मॉस्किटो लार्वे और कुछ दूसरे एक्वाटिक इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने आप को कहीं अटैच नहीं कर पाते किसी सब्सट्रेटम पे और इसीलिए दे फेल टू सर्वाइव इन मूविंग वाटर अगर वाटर करंट तेज है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते तो दिस दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द एबायोटिक फैक्टर्स विच Uh, affect various factors of insect life. Uh, thank you so much for listening to me. Keep studying. Bye bye.